नमस्कार, ये जो तस्वीरें आपको सेक्टर 19 पार्ट 1 की दिखाई जा रही हैं कम्युनिटी हॉल की, जहां पर आपको बता दें कि गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडिया महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। मौके की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो शहर भर से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, तो क्या कुछ यज्ञ की महत्ता है, किस तरह से इस यज्ञ का आयोजन किया गया, इन सब जानकारियों के लिए हम बातचीत करेंगे जो यहां पहुंचे हैं उनसे। सर, जैसे 24 कुंडिया महायज्ञ गायत्री परिवार की ओर से तो काफ़ी शहरवासी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे सर? शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार ट्रस्ट कैथल द्वारा ये 4 दिवसीय 24 कुंडिया महायज्ञ का आयोजन, इसका समापन हुआ है। इसमें हमारे प्रधान ब्रिजभूषण सिंगला जी के साथ और श्रीमती मैडम उमा सिंगला जी के साथ शिरकत करने का मौका मिला जी। और मैं तो यही कहूँगा शहरवासियों को इसको बड़ा लाभ होगा। जैसे कोरोना काल से निकले हैं, लोगों में बड़ी बेचैनी थी और इसे पूरे कैथल ज़िले में शांति का प्रचार होगा। और इस तरह के आयोजन जो है कैथल की भूमि पर वैसे तो होते रहते हैं और होने भी चाहिए। प्रभु से यही कामना करेंगे, हमारा जो है पूरा शहर, ज़िला, हल्का, देश विदेश सब सुख शांति रहे। तो इस यज्ञ में कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं शहर से? इस यज्ञ में काफ़ी दूर दूर से, कैथल ज़िले के तो काफ़ी हैं ही हैं यजमान, और दूर जैसे कैथल के नज़दीक के पेहवा से, कुरुक्षेत्र से, हरिद्वार से, दिल्ली से, जैसे जो कैथल के इसमें यजमान हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ शिरकत करने के लिए बुलाया है जी। तो कब से कब तक चलेगा सर आज ये? बस आज इसका समापन है और पूर्णाहुति हो गई है और अब भंडारे का आयोजन है। सर आप बताइए नाम आपका? मैं ब्रिजभूषण, एक छोटा सा एक प्रभु के चरणों में अरदास करता हूँ। मेरे पास तो कोई शब्द तो है नहीं इनकी प्रशंसा के लिए जी। इतना बढ़िया ये कार्य कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म ध्वजा को उठाकर संस्कार लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये। वह आयोजन जिन्होंने ये आयोजन किया है वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आयोजक जब तक नहीं होते संत भी कुछ नहीं कर सकते जी। ये हमें संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, और वैसे भी छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है जी। कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ पर भंडारे नहीं लगते कैथल की तरफ से। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ बसते हैं। हम तो ये कहें सुख शांति के लिए प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं भी, हे प्रभु, ये जिस पथ पे ये चल रहे हैं संत समाज, हम इनके तत्वाधान में हम भी फले फूले और समाज भी फले फूले, और ये कोरोना कांत भी इन्हीं की देन है जो कोरोना कांत हुआ है जी। मैं तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आयोजक जिन्होंने आयोजन किया इस। तो जो ये यज्ञ होते हैं इनका क्या कुछ विशेष महत्व? यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे अंतर्करण की पता क्या कहते हैं ऐसे बोलते हैं भाई, जैसे जन्म जन्म की मैल धुलेगी। ये जो आयोजन होते हैं ना उससे मन की जन्म जन्म की मैल धुलती है। ये मैल को, कपड़ों की मैल तो हम साबुन से साफ करते हैं, परंतु सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर की मैल भी धुलती है। ये जो संत इस काम में लगे हैं ये बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। आपने आपका नाम? हाँ जी, मैं उमा गुप्ता जी। क्या तो, मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, जो यज्ञ आज समापन है यज्ञ का, हाँ जी, हाँ जी, समापन अवसर पर क्या मैसेज? हाँ जी, बहुत बड़ा हमारे को यहाँ से बहुत कुछ मिला है जी, और मैं तो गदगद हो गई हूँ। ऐसे ऐसे सुंदर कार्य हमारे को मिलते रहे, इनसे हमारे को बहुत कुछ मिलता है, नहीं तो हम अपनी गृहस्थी के अंदर उलझे रहते हैं, हमारे को पता ही नहीं रहता कुछ भी। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में लग जाते हैं तो हम अपने शरीर के दुख और सब कुछ इधर उधर की सब भूल जाते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं ऐसे वैसे सदमे। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे शहर में बार बार होते रहें और हम उनका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। जैसे ये 4 युगीय मतलब 4 दिवसीय यज्ञ था, हर रोज आए आप इसमें? मैं यहाँ से बाहर थी इसी करके रोज़ नहीं आ पाई, तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, 2 दिन तो फिर भी आई हूँ।